कॉफी, अरे कॉफी लाओ। कॉफी चाहिए? मॉम मॉम, डैड कॉफी कॉफी चिल्ला रहे हैं। पता है, बाद में पेपर मांगेंगे, फिर टिफिन देने को कहेंगे और फिर कार निकालने को कहेंगे, पर लोग तो होने चाहिए ना। लेकिन सब कहाँ गए? स्ट्राइक पर हैं सर, रात से सबने काम छोड़ दिया है। इनका कहने का मतलब ये है कि अब वो आपके साथ काम करना नहीं चाहते हैं। जी सर, अगर रात को आपके डैडी ने टीवी पर वो सब नहीं किया होता तो अब तक आपके लिए उपमा बना दिया होता। साहेब, मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूँ, समाज बीजकरण। आपके जैसे बढ़ेला गढ़ेला लोगों को नहीं समझेगा, मतलब बॉयकॉट। ऐसा पोस्टर हर वॉल पे चिपका दिया है, सब जय जीएम बोलकर गूगल करे छे वॉल पे चिपकाए छे, गूगल करे छे वॉल पे चिपकाए छे, गूगल। मेरे को मारने से आपका प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगा। चाचू, ये क्या हुआ? आज सुबह जब मैं जॉगिंग पे गया, उस डायमंड रतन के भाई तुम हो ना। ए, ये क्या बदतमीजी है? अरे अरे छोड़ो, अरे मेरे ब्रांडेड कपड़े ले गए। सबने बहुत कुछ देख लिया, अब चलिए। डैडी का तो फिर भी ठीक है ब्रो, मेरे सोशल मीडिया ग्रुप में तो मेरी बैंड बजा दी है। एक कॉमन मैन, दैट टू अ पुअर पर्सन, एक रात में इतना सब कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे डैडी ने किया। गरीब लोग हैं ये सोचकर पता नहीं उन्होंने क्या अनाप शनाप कह दिया उन्हें। कॉमन मैन के हटी तो आपकी हटी जाए। नए नोट, तुमने जिंदगी में कभी इतने एक साथ नहीं देखे होंगे। जितनी अय्याशी करनी है कर लो, इसमें से एक एक नोट खर्च कर देना। मुझे नहीं चाहिए। ए, पैसे पूरे 10 लाख हैं? 10 लाख नहीं, 20 लाख चाहिए मुझे। 20 लाख चाहिए मुझे। वाह, क्या कहने, नहीं तो सडनली तेरी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती, पता है? वाह भगवान, क्या रूप बदला है। मुझे पता था कि ये पैसा देखते ही जी बाहर निकालकर हमारे तलवे चाटने लगेगा। अगर मैं इसे पैसे देने से मना करता तो मुझे इसकी खिदमत करनी पड़ती, इज्जत करनी पड़ती और पता नहीं क्या क्या। उठा ले, सारे के सारे उठा ले तू, लेकिन मना करके झटके मत देना। तो ऐसे ही पावली और अठन्नी के लिए लालची होता रहे और हम फेंकेंगे और अपना काम निकालते रहेंगे। That is how it is. सारे पोस्टर हटाकर टीवी पर गलती हो गई माफ कीजिए कहकर लड़की को नए काम पे लगाओ। चलता हूँ। अरे भगवान, 10 नहीं 20 चाहिए। अरे रे 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 रे, क्या बात है। ये लीजिए चाय। अरे रुको, क्या कर रही हो? हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या, जो कोई भी घर आएगा उन्हें खुद चाय नाश्ता देकर मर्यादा का प्रदर्शन करोगी? इसने किया था वो कम था क्या? बाई मिस्टेक खाना बनाने वाली से प्यार कर लिया, लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की है ना, तो मैंने किसी काम वाली से शादी की, ऐसी फीलिंग मुझे मत दो। अगर घर में काम वाले नहीं है तो होटल से ऑर्डर कर दो, दो बॉयज आकर सर्व कर देंगे। अब जाओ ना। अब हमारे घर में ये बैंड वाले कहां से आ गए? ये तो बैंड वाले नहीं है डैड। हाँ, राधा के मामा है शायद। आप लीजिए और जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हेलो, पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप हमें फिर से चेहरा ना दिखाएं। नए कपड़े खरीद कर उन्हें पहन कर यहाँ आने के लिए नहीं। ओ दामाद जी, जरा शांत रहिए। हेलो संधि जी, आपका रोना ये ना कि ब्रांड्स नहीं पहनते, और इसलिए आपने रिश्ता भी ठुकरा दिया ना। आप शोरूम से खरीदते हैं, हमने कॉपीज खरीदी हैं, इतना ही फर्क है। खड़ा हो जा। Get up, you fool! Get up!
तेरा और मेरा ब्रांड एक ही है जी सर। आलिन सॉली और नाकी का बूट कैसा लग रहा है सर? वो कंपनी नाकी नहीं है, नाइकी है। ओह ये देखिए सर, गुक्की का सेंट मारा है, सुन के देखिए। हाँ ये सही कह रहा है सर, उसी की खुशबू आ रही है। गुक्की नहीं गधे, गुच्ची गुच्ची है ना, गुक्की गुक्की। गधे की औलाद, अगर मेरे ब्रांड्स का नाम बिगाड़ा तो काट डालूंगा तुझे। तू मेरे फेवरेट ब्रांड का नाम कोई मेरे ब्रांड के बारे में उल्टा सीधा बोलता है ना तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है बेटा। सॉरी भाई साहब। कौन है तेरा भाई साहब? मैं तेरा भाई हो गया। I'll take care of them. I'll talk to them. Hey, क्या चाहिए तुझे? हाँ? राधा? कलांजलि साड़ी सेकेंड्स में खरीदी है। हमारी बच्ची इस घर की बहू बनेगी। हमारी बच्ची इस घर की बहू बनेगी। हलवा समझ रखा है यार। राधा, what is this? मैंने तुम्हें क्लियरली समझाया था, फिर भी तुम ये ड्रेस पहनकर यहाँ आ गई हो। असल में तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, और उस रात मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। एक मिनट मेरे साथ चलो। ए, राधा क्या बात है? लवर्स के बीच कई बातें होती है। मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ पर लेकर आएंगे। साड़ी पहनने को कहकर यहाँ पर लेकर आए। मेरे मामा जिद्दी हैं, जो काम सोचते हैं वो करके रहते हैं। ये क्या है, मुझे डरा रही हो? इसी बहाने मुझसे शादी करके मेरे घर में घुसने का प्लान है क्या? मेरी माँ की कसम, मुझे ऐसी इच्छा नहीं है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं देखो। क्या खुसुर फुसुर लगा रखी है, ऐसे जैसे रिश्ता देखते वक्त लड़का लड़की मिलकर दूसरे कमरे में बात करते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनने से क्या औकात बदल जाएगी? नौकरानी बेडरूम में आ गई तो क्या बीवी बन जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग में पैदा होने वाले ब्रांड को कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारी जिंदगी अलग है, हमारी जिंदगी अलग है। दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे तो भून के रख दूंगा। निकल यहां से।